एक आदमी ने टेलीफोन पर तीन बार तलाक दी और तीन हो गई। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि एक दफा इंडिया का ही कोई आदमी था, बड़ा पढ़ा लिखा समझदार आदमी लगते थे मियाँ बीवी, वो मेरे पास आए और मुझे मिले। कहने लगा, जी बात यह है कि मैंने वाकई ज्यादती की है, मैंने गुस्से में आके बीवी को तीन तलाकें दे दी हैं। अब मैंने हनफी उलमा से रजू किया है तो वो कहते हैं कि हलाले के बगैर ये हलाली नहीं हो सकती। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, तीन तलाकें एक होती हैं। मैंने कहा, मुझे तुम बताओ कि मेरे पास क्यों आए हो, मेरे नज़दीक तो तीन तलाकें तीन हैं। उन्होंने कहा, जी मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी बीवी जो है ना वो इतनी खूबसूरत है कि ए फला सन में वो मिस इंडिया मुंतखब हुई थी। अब मैं डरता हूं कि किसी के साथ शादी करूं, आप ऐसा करेंगे आप शादी कर लें, हमें आप पर एतबार है, तो आप जो है उसके बाद तलाक दे दें। मैंने कहा, मैं कोई पागल तो मैं सारे मक्के में मैं नजर आया हूं। कहते जी क्या मतलब, मैंने कहा इतनी खूबसूरत बीवी को मैं क्यों छोड़ दूंगा। मैंने कहा, पागल आदमी, हम तो बलोच लोग हैं, हम तो घोड़ा गधा भी अपना नहीं छोड़ते। ये पहले गलती कर लेते हैं, पूछते बाद में, ये गलत बात है ना जी। ये तो वही नशाई वाली बात हो गई ना, वो वजू करने बैठता ना जी, पेशाब उनका लंबा होता है, भंग शंग पीते हैं ना पागल, वो सुराख था लोटे में, वो पानी बह जाए, वो फिर गया बेचारा पानी भर गया, फिर इस्तंजा किया, उतनी देर पेशाब पे बैठा वो फिर बह गया, तीसरे दफा जब भर गया कहेंगे अच्छा ठीक है, इस्तंजा मैं पहले कर लेता हूँ, पेशाब बाद में कर लू। तो तुम भी यही मसले करते हो, पहले तलाक दे देते हो, आप बंदा ढूंढते रहते हो जी किराए पर आपको मिल जाए एक रात के लिए। उस पर अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है जो एक रात या दो रातों के लिए शादी करे। लानल्लाहुल्मुहल्लिला कि ये हलाल करने वाला और कराने वाला दोनों पे अल्लाह की रहमत। वो शादी करे, उसकी मर्जी आए छोड़े, मर्जी आए ना छोड़े, या मर जाए। मेरे बेटे की औलाद नहीं है, अल्लाह जिनकी भी औलाद नहीं है उनको औलाद साले अता फरमाए। वो हमारे इलाके में थे, उनके बड़ा नाम मुझे भूल गया, सुहारे खां या क्या नाम था, बलोच था। तो कहने लगा, वकील साहब मैंने बीवी को तलाक दे दी है और तलाकें मैंने तीन दी हैं। अब मैं जाहिल हूँ, जट हूँ, कुछ हूँ, लेकिन मैं हनफी मसलक से बदलता नहीं हूँ।